हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कैन लर्निंग पॉइंट में। आइए, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक नया वीडियो जीके का, जो कि आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैं 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। प्लीज़, अब यदि आपको मेरे क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन जीके के। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। किस प्रकार के कोयले में उच्चतम कार्बन अंश प्रतिशत होता है? एंथ्रासाइट में। हीरे की चमक किसके कारण होती है? हीरे की चमक उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है। मृदा से अवशोषित जल का ऊपर पत्तियों की ओर संचालन किसके द्वारा किया जाता है? मृदा से अवशोषित जल का ऊपर पत्तियों की ओर संचालन जाइलम के द्वारा किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज है। सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने एकतादारी प्रथा चलाई थी? सल्तनत कालीन सुल्तानों में एकतादारी प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन बैकैया पिंगले ने तैयार किया था। विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान की चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित है। केंद्रीय सरकार को किस कर से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? केंद्रीय कर को सर्वाधिक उत्पाद कर से राजस्व कर की प्राप्ति होती है। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान क्या कहलाते हैं? जो दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान हैं उनको पंपास कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। सिंगोली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? सिंगोली की संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन है? सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। शेंदो सभ्यता के ईंटों के अलंकरण किस स्थान से मिले? शेंदो सभ्यता में जो ईंटों के अलंकरण मिले हैं वो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। डोज का विस्तृत रूप क्या है? डोज का विस्तृत रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आईटी का विस्तृत रूप क्या है? आईटी का विस्तृत रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। महिला साक्षरता दर भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? महिला साक्षरता दर भारत के केरल राज्य में सर्वाधिक है। समुद्री मील किसका मात्रक है? समुद्री मील नौ परिवहन का मात्रक है। सदा ए सरहद बस सेवा द्वारा जोड़े गए शहर कौन से हैं? सदा ए सरहद बस सेवा द्वारा जोड़े गए शहर दिल्ली और लाहौर हैं। मेगावती सुकोड़ो पुत्री किस देश की है? मेगावती सुकोड़ो पुत्री इंडोनेशिया की रहने वाली हैं। फाउंडेशन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंडेशन पेन के आविष्कारक वाटरमैन थे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला किस देश की थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला रूस की थी। कंप्यूटर के संबंध में रोम क्या है? कंप्यूटर के संबंध में रोम क्या है? कंप्यूटर के संबंध में रोम रीड ओनली मेमोरी है।
प्रथम राष्ट्रकुल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स किस वर्ष आयोजित हुए थे? प्रथम राष्ट्रकुल खेल कॉमनवेल्थ 1930 ईस्वी में आयोजित हुए थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि 7.5 लाख है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिए थे? लॉर्ड डलहौजी ने। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती है। हेलो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।